दोस्तों, बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में देने वाली दिग्गज अभिनेत्री साधना शिवदासानी 60 के दशक में टॉप की अभिनेत्री थी। आलम ये था कि उस वक्त उनकी बराबरी करने के लिए कोई एक्ट्रेस नहीं थी। साठ के दशक का दौर जैसे साधना ने अपने नाम ही कर लिया था, उस वक्त में साधना का हर स्टाइल एक ट्रेंड बन जाया करता था। चाहे बात उनके हेयर स्टाइल की हो या उनके कपड़ों की, साधना शिवदासानी का जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची, पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम शेवाराम और माता का नाम लीला देवी था। माता पिता की एकमात्र संतान होने के कारण साधना का बचपन बड़े ही लाड़ प्यार से बीता था। उन्नीस में भारत के बंटवारे के बाद उनका परिवार कराची छोड़कर मुंबई आ गया था। आए ये तेरा लहरा के चलना। उस समय साधना की आयु केवल 6 वर्ष थी। साधना का नाम उनके पिता ने अपने समय की पसंदीदा अभिनेत्री साधना बोस के नाम पर रखा था। लग जा गले के फिर साधना पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिनके नाम पर एक हेयर स्टाइल शुरू हुआ था। साधना को जो शोहरत हासिल हुई वो मशहूर प्रोड्यूसर ससादर मुखर्जी की फिल्म लव इन शिमला की वजह से मिली थी। मुझे देख कर आपका। ये फिल्म करने के बाद साधना रातों रात स्टार बन गई थी। मेरा, मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको। फैंस उनके हेयर स्टाइल से लेकर उनके कपड़ों को भी कॉपी करने लगे थे। लगता है डर तेरा, मेरा प्यार अमर। प्रोड्यूसर ससादर मुखर्जी अपने बेटे जॉय मुखर्जी को हिंदी सिनेमा में बतौर अभिनेता लॉन्च करना चाहते थे, इसीलिए ससादर एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। फिर क्यों मुझको लगता है डर मेरे जीवन। इसी दौरान साधना ने सिंधी फिल्म अबाना की थी और उनकी फोटो एक मैगजीन में छपी थी। ससादर मुखर्जी ने मैगजीन की वो फोटो देखी और साधना को अपनी फिल्म लव इन शिमला के लिए कास्ट कर लिया। फिल्म के डायरेक्टर आर के नैयर इस फिल्म में साधना का ऐसा लुक देखना चाहते थे जो पहले हिंदी सिनेमा में कभी न देखा गया हो, और इसीलिए उन्होंने इसे लेकर काफी एक्सपेरिमेंट भी किए थे। उसी दौरान हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा ऑड्रे हेपबर्न की फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म में ऑड्रे का हेयर स्टाइल आर के नैयर को बहुत पसंद आया। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। और फिर नैयर ने नई नवेली साधना को इसी हेयर कट के साथ सिनेमा स्क्रीन पर उतारा। उनका आइडिया काम कर गया और ये हेयर स्टाइल साधना कट के नाम से लोकप्रिय हुआ। साधना की मुख्य फिल्मों में हम दोनों, असली नकली, वंदना, अनीता, आप आए बहाराई, एक फूल दो माली, मेरे महबूब, मनमौजी, वो कौन थी आदि फिल्में शामिल है। मैं तो तुम संग तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड की महान अभिनेत्री साधना शिवदासानी कैसे लगती हैं? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही मसालेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।